बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो पाकिस्तान की आज जीत हुई है, इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। देखिए, सबसे बड़ा तो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की टीम को, प्लेयर्स को, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा को आपने अपॉइंट करवा दिया। उन्होंने उससे ज़्यादा बेहतरीन काम ये किया कि फिलैंडर को वो कोच लेकर आए, मैथ्यू हेडन को लेकर आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिस तरह धोनी को लेकर आए वहाँ पर मेंटोर के तौर पर। देखिए, विराट कोहली को आज ओपनली ये बात समझ आ गई थी, इसीलिए उन्होंने मैच से पहले कहा था कि देखिए, पाकिस्तान की टीम है स्ट्रॉन्ग टीम है, ये वो लेवल नहीं है जो आप सोचते हैं। उसकी क्या रीज़न थी, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। रीज़न ये थी कि विराट कोहली ये बात अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने खुद इस बात का इजहार किया था कि पाकिस्तान अगर आज तक हारता रहा तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा हारेगा, उनकी टीम स्ट्रांग है, वो जीत सकते हैं। मामला इस तरह हुआ कि इमरान खान ने एक तो पाकिस्तान की टीम के साथ मुलाकात की थी, लेकिन स्पेशली जो आखिरी बात हुई थी, रमीज़ राजा को वो इंस्ट्रक्शन देते रहे और बाबर आजम को जो उन्होंने आखिरी हिदायत दी थी, जो लास्ट गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखो बाबर, पीछे भूल जाना, जो माजी में होता रहा है, ज़रूरी नहीं है कि तुम शिकस्त खाओ। माजी में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं इवन के प्राइम मिनिस्टर माजी में नहीं बन सका, लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये मौका है कि तुम लीड करो और वो तमाम चीज़ें, जो तमाम रिकॉर्ड है, वो तुम तोड़ सकते हो। अगर अब तुम अपने जहन में ये बिठा कर रखोगे कि पुरानी हार हुई है तो तुम जीत नहीं पाओगे, तुमने सिर्फ लीड करना। अगर तुम कप्तान बनकर ये सोचोगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जीतना है, दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है, तो तुम जीत पाओगे। बार बार एक चीज़ हुई और इमरान खान ने स्पेशली कहा रमीज़ राजा को कि 2017 की जो चैम्पियन ट्रॉफी है, इसका जो फाइनल है पाकिस्तान ने जीता है, इस पर लाजमी हर सूरत इनको मोटिवेट करें और इनको ये बताएं कि जिस तरह मैं मोटिवेट आपको करता था, इसी तरह आपने मोटिवेट करना। अब सूरत हाल ये हुई कि इनकी स्पेशली की गई काउंसलिंग, रमीज़ राजा ने बार बार टीम को लेकर गए और उनको कहा कि देखो, अब की दफ़ा सबसे बड़ा मौका ये है कि तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम इंडिया को शिकस्त दे देते हो तो ये टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है, एक तो हम आगे जीत सकते हैं। नंबर टू सूरत हाल उसमें जो ये आती है कि पाकिस्तान के लिए स्पॉन्सरशिप के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम लोगों को पैसा मिलेगा। फिर रमीज़ राजा को जो ऑफर की गई थी कि ब्लैंक चेक्स देंगे, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त तुम पर उम्मीद लगाए बैठी। और इसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम ये है, आप सोच भी नहीं सकते, रमीज़ राजा के आने से ये हुआ है कि एक तो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने स्पेशली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ये पूरी एक ट्रेनिंग दी थी, जिसमें ये बात सामने आई कि उनको कहा गया कि दुबई में ख़ास तौर पर इंडियन बुकीज़ हैं, उन्होंने तुम लोगों को ख़रीदना है, ये कोई स्कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे। किसी भी शख्स ने अगर कोई किसी अजनबी से बात करने की कोशिश की या इंडियंस के किसी भी मामले में ट्रैप हुए, तो पाकिस्तान की क्रिकेट कभी पैरों पर नहीं खड़ी हो पाएगी। इवन उनको बताया कि आपको कितनी सज़ा हो सकती है, क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें उन पर क्लियर की और स्पेशली उनकी काउंसलिंग की गई कि ये आपने हर सूरत अलर्ट रहना। और उसके अलावा रमीज़ राजा, असल में जो मेन फैक्टर इस दफा आपको नजर आया वो है रमीज़ राजा। घंटों इनको बैठकर बताते रहते हो, समझाते रहते हैं कि देखो, जब इमरान खान ने क्रिकेट जीती थी, हमारा उस वक्त लेवल दुनिया में तुमसे बहुत बुरा था, तुम्हारी तो टीम ही बहुत मजबूत है, ओपनिंग हमारे पास अच्छा और एक कम्बिनेशन हमारा ज़बरदस्त था, मिसाल के तौर पर शाहीन ने जिस तरह बॉलिंग की, ये तमाम सूरत हाल में बाकी जो लोग ये समझ रहे थे ड्यू फैक्टर है ये वो। देखिए, ड्यू फैक्टर होना एक अलग है, जिस तरह की बैटिंग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने की, तारीख में इसकी कभी मिसाल नहीं मिलती, और इंडिया ने कभी तारीख में इतनी बुरी शिकस्त पाकिस्तान तो छोड़िए किसी से भी नहीं खाई। लास्ट दफ़ा अगर आपको कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आई है तो वो 2003 के वर्ल्ड कप का फाइनल था, उस वक्त इंडियन टीम इतनी मजबूत नहीं थी जितनी इस वक्त उनकी टीम। और आप देख लें कि एक तो उन्होंने कोरोना का मामला हो या दूसरा तीसरा मामला हो, वो सारी चीज़ें आप अलग कर दें, दूसरा उन्होंने दुबई में आईपीएल करवाया पूरा, ताकि हम वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह अपने आप को तैयार करें। यानी एक एक टीम ने वहाँ पर, आप देखिए, 14 मैचेस खेले और जो सेमीफाइनल फाइनल में पहुँचे उन्होंने तो 16 से ज़्यादा मैचेस, तो इंडियन प्लेयर्स से उन्होंने दुबई के विकेटों को ईजिली देखा परखा। लेकिन मेजर जो मेन फैक्टर था
वो ये था कि इनकी की गई काउंसलिंग, इनको कहा गया कि अब क्रिकेट तुम्हारे हाथ में और उठाना है, और ऐसी ज़बरदस्त काउंसलिंग की गई। देखिए, जब आपको प्राइम मिनिस्टर ये बात कहे कि बाबर ज़रूरी नहीं है कि अगर जो काम हम नहीं कर सके तुम कर सकते हो, हमेशा रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, ये रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया है, ये तुम तोड़ सकते हो और तुम तारीख लिखोगे, दुनिया बाद में ये याद करेगी कि पहली मर्तबा जब पाकिस्तान ने हराया था तो कप्तान बाबर थे। अब सोचें इस लेवल की इमरान खान ने गुफ्तगू की है। अब इमरान खान आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये मैच भी देखते रहे वहाँ पर, और इमरान खान आप जानते हैं सऊदी अरब के टूर पर, वहाँ पर वो मैच देखते रहे, और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर टीवी पर मैच नहीं आ रहा था, स्पेशली एक लैपटॉप लाया गया, लैपटॉप को कनेक्ट किया गया, फिर उसके बाद HDMI केबल जो है उसके ज़रिए पूरी तरह कनेक्ट करके इनको मैच दिखाया गया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इमरान खान को जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये लगी वो बाबर आजम की कप्तानी थी। उन्होंने देखा कि जिस तरह बाबर आजम ने रोटेट किया बॉलर्स को, यानी आप सोच लें इतनी मैच्योरिटी तारीख में शायद ही किसी कप्तान को आपने देखा हो। लोगों को याद नहीं है इमरान खान किस तरह करते थे, गेम थी फास्ट, किस वक्त आपने लगाया, किस वक्त आपने चीज़ें की, आपने शाहीन को यूज़ कैसे किया, आपने एक एक दो दो बार, इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि लास्ट जो ओवर्स थे उसमें चांसेस ये थे कि अगर आप स्पिनर्स को उस वक्त लगाते हैं, इमाद वसीम को लगाते हैं, हालांकि उसने अच्छी बॉलिंग की, तो चांस ये था कि उसको छक्के पड़ सकते हैं, क्योंकि फास्ट जो बॉल थी वो लास्ट ओवर्स में बैट पर बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही थी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो काम ज़बरदस्त किया उन्होंने, शाहीन को और दूसरे जितने भी थे फास्ट बॉलर्स को लगाया और काम किया। बहुत सारे लोग शायद इतराज़ उठा रहे थे कि हसन को क्यों लगाया, असल में हसन से ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ सकती है। आप देखिए कि हसन को छक्के चौके जब पड़े हैं तो ज़्यादा वो गेंदे थी जिनमें स्लो गेंद उन्होंने फेंकी, लेकिन डायरेक्शन गलत हुई। यही काम जब आप देखिए हारिस रौफ ने किया तो ज़बरदस्त हुआ, यानी उन्होंने स्लो गेंदों पर विक्ट्री ली। सो इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारी उनकी जो बॉल्स थी वो विक्ट्री में कन्वर्ट हो गई, ज़्यादा अच्छे तरीके की चीज़ें रहीं। सो पाकिस्तान ने कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस दी है, असल में उसका मेन फैक्टर ये था कि अब न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दुनिया की तमाम बड़ी लीग्स को, देखिए क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच ही था आज। आप जितने मर्जी बाद में मैचेस कह लें वो मैच रहेंगे, लेकिन इससे बड़ा मैच कोई भी नहीं था। और आगे चलकर अगर कोई मैच होगा तो या तो वो सेमीफाइनल होंगे या फाइनल होंगे, उससे पहले जितने भी मैचेस होंगे वो सारे आम से मैचेस आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इनको इतना मोटिवेट किया गया कि आप सोच लें कि मैथ्यू हेडन आए, उन्होंने आकर बताया कि हम किस तरह इंडिया को हराते थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के फिलैंडर ने, आप सोचें ये तमाम चीज़ें जो पॉजिटिव थी एक ही चीज़ इनके सामने रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके अंदर आग जल रही थी बदले की। देखिए बहुत बड़ा एक खतरनाक काम हुआ, न्यूजीलैंड की टीम चली गई, इंग्लैंड की टीम नहीं आई, तो वो इनके अंदर एक आग जो थी वो इमरान खान की बार बार इंस्ट्रक्शंस थी कि वो जलती रहे, और ये रमीज राजा ने इसमें किरदार अदा किया। और बाबर आजम और बाकी तो आप जानते ही हैं सब बेहतरीन। अब आप सोच रहे एकदम सारे परफॉर्म कैसे बेहतर करते हैं कि आपके अंदर आग होती है, आपने बदला लेना होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ने पाकिस्तान की वो इज्जत रखी है जो तारीख में कभी हमें इज्जत नहीं मिली। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप उठ सकते हैं। दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, नामुमकिन सिर्फ आपके दिमाग में बसी हुई जो खौफ की लहरें हैं वो होती हैं, अदरवाइज आप तमाम चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो काम आज से पहले नहीं हुआ वो अब नहीं हो सकता। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।